हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यानी कि पल्लवी के पिटारा पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो लिंट होता है, जिसे हम मराठी में बोंद्रे बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं एग्जैक्टली पता है, लेकिन अगर आप इसे चाहते हैं रिमूव करना तो आप घर पे ही आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है कोम जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो इस कोम से आप लिंट को हटा सकते हैं अपने फेवरेट कपड़ों से भी। आप किसी भी कपड़े से लिंट को हटा सकते हैं इस तरह से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये लिंट रिमूव हो रहा है। आपके फेवरेट कपड़े हो गए, स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, या फिर कर्टन्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, सब चीज़ों से इस तरह से आप लिंट को हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोम में कितना सारा लिंट जमा हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसे निकाल के। आप कोम की साइज भी, अगर लिंट छोटा है तो आपको जो छोटी ये होती है कोम वो लेनी पड़ेगी, अगर लिंट की साइज बड़ी है तो आपको बड़ी वाली कोम लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी वाली कंघी यूज़ की है इस लिंट को रिमूव करने के लिए। ये गद्दा है हमारा, गद्दे पे है ये लिंट, तो इसे मैं अभी रिमूव कर रही हूँ। ये एक्चुअली इजीली नहीं निकलता है क्योंकि ये बड़ा बड़ा है और ज़्यादा भी नहीं है कुछ, लेकिन जब हम बेडशीट लगाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस वजह से फिर मैंने इस पे जो लिंट था वो भी रिमूव किया है इस कोम से। तो आप देख सकते हैं कितना सारा लिंट निकल चुका है। अभी ये है बेडशीट, तो ये बेडशीट का मैं लिंट रिमूव कर रही हूँ अभी। आप देख सकते हो कितने आसानी से आप इस लिंट को हटा सकते हो। हमारी कोई भी फेवरेट कपड़े होते हैं लेकिन उस पे लिंट की वजह से हम नहीं पहनते या फिर यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह से आप आसानी से लिंट को रिमूव कर सकते हैं। देन उसके बाद एक और चीज़ है जिससे आप लिंट को हटा सकते हैं, वो है ये रेज़र। जी हाँ, इस रेज़र से भी आप बहुत ही आसानी से लिंट को हटा सकते हैं। एक्चुअली लिंट को हटाने की एक मशीन भी है जो मैंने ऑर्डर की है, लेकिन वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। जैसे ही मुझे वो मशीन मिलती है मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली हम इस तरह से निकलने जाए तो इस लिंट को रिमूव करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन आप मशीन से रिमूव करोगे तो वो फटाक से रिमूव हो जाएगा। तो मैं उसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उस मशीन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको भी परचेस करनी है वो मशीन तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ सके। Thank you friends watching this video. Bye bye. Take care.